क्या आप भी अपने WhatsApp के कीबोर्ड में फोटो लगाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने WhatsApp के कीबोर्ड में आप अपना फोटो कैसे लगा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे डिजिटल प्रभा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर देखिए, अपने WhatsApp के कीबोर्ड में फोटो लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने WhatsApp को ओपन करेंगे। जैसे अपने WhatsApp को ओपन करेंगे यहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर फोटो लगाने के लिए चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने मोबाइल के फीचर से ही आप पर लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना यहाँ पर कीबोर्ड दिखा देता हूँ। तो सिंपली देखिए, यहाँ पर किसी चैट सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए मैसेज पे मैं क्लिक करूँगा। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरा कीबोर्ड है कुछ इस तरीके का है। इसके बैकग्राउंड में अपनी मैं फोटो लगाऊंगा, तो इस तरीके से देख के आप भी अपने बैकग्राउंड में फोटो लगा सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहाँ से बैक आएंगे और आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आप सर्च बार आइकन देखने को मिलता है दिन नीचे। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपको अपने मोबाइल में एक ऑडिशनल सेटिंग मिलेगी। सिंपली वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कीबोर्ड एज इनपुट मेथड का। तो जो मैंने ऊपर सर्च बार बताया था, अगर आपको नहीं मिलता तो सिंपली वहां पर इस तरीके से सर्च भी कर सकते हैं कीबोर्ड, तो डायरेक्टली ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपके में करंट कीबोर्ड कौन है, यहां पर देखिए लिखा है मल्टीपल टाइपिंग, यहां पर लिखा है जीबोर्ड। सिंपली नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखिए एक ऑप्शन देखने को मिलता है जीबोर्ड का। सिंपली यहां पर आप टाइपिंग करेंगे, यहां पर जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आप उसकी कीबोर्ड की सेटिंग पर आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए थीम्स का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको देखिए तरह तरह के थीम्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर आप चाहे तो जैसे कि एक ब्लैक कीबोर्ड चाहिए तो यहां पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से ब्लैक कीबोर्ड आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं रेड कीबोर्ड करना तो यहां से देखिए रेड हो जाएगा। जो कलर को यहां चूज करेंगे, जिस तरीके की थीम्स आपको देखने को मिले उस तरीके से यहां पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है ये कीबोर्ड है। अगर आप नीचे चाहते हैं तो यहां पर मल्टीपल थीम्स आपको मोबाइल के अंदर डाउनलोड करने के ऑप्शन मिलते हैं, तो इस तरीके से इनको डाउनलोड करके भी इस तरीके से यहां देखिए जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखिए इसके बैकग्राउंड में ये अप्लाई हो जाएगा। अगर आप अपनी फोटो लगाना चाहते हो देखिए प्लस का आइकन मिलेगा, सिंपली आप यहां पर क्लिक करेंगे और आपकी गैलरी यहां पर देखिए ओपन हो जाएगी। तो अपनी गैलरी से एक आपको कोई भी फोटो को चूज कर लेना है जो आप अपने जीबोर्ड में ऐड करना चाहते हैं। यहां पर देखिए मैं अपनी फोटो को इस वाली फोटो को चूज कर लेता हूं और अपने हिसाब से इस फोटो को आप एडजस्ट कर सकते हैं या आप चाहे जिस तरीके से यहां कट कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे और इसके बाद देखिए इसके बैकग्राउंड में आपकी फोटो ऐड हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहां से चाहते हैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाना इस तरीके से, यहां पर देखिए ब्राइटनेस को बढ़ा भी सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। अगर आप ब्राइटनेस को बढ़ाएंगे तो आपकी फोटो देखिए क्लियर आने लगेगी और लो करेंगे तो पीछे का डार्क हो जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहे वो यहां पर एडजस्ट करेंगे। फिर इसके बाद देखिए डन का ऑप्शन क्लिक कर देंगे और ये देखिए यहां पर आएगा, तो इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा इस तरीके से दिखाई देगा। अगर इसे आप अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल राइट है या डिलीट करना चाहते हो तो यहां से करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो यहां देखिए आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। चलिए यहां से बैक आते हैं, अब हमने व्हाट्सएप को ओपन करके देखते हैं। जैसे मैंने WhatsApp को ओपन किया तो देखिए ये बैकग्राउंड में जो मेरी फोटो आपको दिखाई दे रही है, देखिए मेरी फोटो ये बैकग्राउंड में ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो देखिए मेरे पीछे यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड में हमारी जो फोटो वो हमको देखने को मिलेगी। इस तरीके से आप भी अपने यहाँ पर WhatsApp के अंदर अपने फोटो को ऐड कर सकते हैं कीबोर्ड के अंदर, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ईजी स्टेप में।